2.6 का पिक्चर नंबर 10 है ट्रेपेजियम के बारे में। ये है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है? ट्रेपेजियम में ये दो साइड का रहती है पैरेलल। ये तो भले ही पैरेलल नहीं रहेंगी लेकिन ये तो कैसे रहेंगी? तो ट्रेपेजियम को एक नाम दे देते हैं। तो ट्रेपेजियम की एरिया का एक फॉर्मूला है, एरिया क्या क्या फॉर्मूला है? हाफ इनटू सम ऑफ साइड इनटू ये फॉर्मूला। अब अगर उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में ट्रेपेजियम दिया हुआ है ना, तो वो फिगर सबको निकालनी पड़ेगी। बताओ क्या है उसकी फिगर? वो ऐसी है ना, मतलब क्या नाम है ऊपर? ए बी सी डी। बोलो अब हम नाम के साथ लिखते, इसके साथ नाम के साथ क्या लिखेंगे? नाम के साथ बताओ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का नाम क्या है? एबीसीडी। ये जनरल फॉर्मूला लिखा, अब हम नाम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एबीसी। क्या फॉर्मूला है? हाफ इनटू सम। क्या करना है? सम किसका? कौन है पैरेलल साइड बताओ? एबी और सीडी। एबी और सीडी के पैरेलल, तो शुरुआत में ऐसा लिखना पड़ेगा ना, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए क्या है? ये ट्रेपेजियम। और कौन कौन पैरेलल साइड है बताना पड़ेगा? ये सब बताना पड़ेगा। एबीसीडी ट्रेपेजियम है, एबी और सीडी क्या है? पैरेलल साइड है। और बताओ ये ऐसी परपेंडिकुलर है क्या? इसका नाम क्या? एम परपेंडिकुलर है किस पर? ऐसा लिखना पड़ेगा एम किस पर परपेंडिकुलर है? सीडी बोलो या डीसी बोलो, बराबर है? ऐसा क्यों लिखना है सर? जो है वो लिखना पड़ता है। ट्रेपेजियम है एबीसीडी, एबी और डीसी पैरेलल साइड है, एम परपेंडिकुलर है। जो परपेंडिकुलर है इसी को हाइट बोलते हैं। एम को क्या बोलते हैं? जो परपेंडिकुलर है वो हाइट। अगर मैं इसी तिरछी लाइन निकालू तो उसको हाइट मत बोलो, ठीक है ना? आप जब किसी की हाइट गिनते हो तो अगर ऐसा खड़ा होगा, हाँ मैं ऐसा खड़ा रहा तो चलेगा क्या? अगर मैंने इसको यहाँ पे खड़ा किया कुंदन को, तेरी हाइट गिनना है और ये ऐसा खड़ा रहा जानबूझ के, तो क्या बोलेंगे टीचर? सीधा खड़ा रहना, ऐसा नहीं बोलेंगे। हाइट गिनना है ना, सीधा खड़ा रहना। सीधा खड़ा रहे क्यों बोलते? ऐसा सीधा खड़ा रहे बोलते, क्योंकि वो ये देखते हैं कि जमीन को परपेंडिकुलर चाहिए। जमीन को कैसे चाहिए? और स्ट्रेट चाहिए। तब क्या करेंगे? जमीन से लेके यहाँ तक क्या गिनेंगे? हाइट गिनेंगे। ऐसा तिरछा विरछा खड़ा रहा तो बोलते ना फिर टीचर, सीधा खड़ा रहे बोलते, थोड़ा हाइट गिननी है तो अच्छे से खड़ा रहे बोलते, ऐसा बोलते ना। तो हाइट कब बोलते हैं? जो परपेंडिकुलर एकदम 90 डिग्री ऐसा हो, राइट? इसीलिए जो 90 डिग्री में परपेंडिकुलर एकदम सीधी खड़ी है उसी को हाइट बोलते। अगर ऐसी तिरछी लाइन को हाइट नहीं बोलना। अभी हाइट का नाम क्या है? एम। तो चलो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब हम नाम के साथ लिखेंगे, ये तो जनरल हो गया। चलो नाम ट्रेपेजियम का नाम एबीसीडी है। हाफ इनटू सम करो। हाँ सर, सम किसका सम करना है? पैरेलल साइड। कौन है पैरेलल साइड? एबी और एक कौन है? डीसी। एक एबी और एक डीसी। डीसी बोलो या सीडी बोलो, एबी बोलो या बी बोलो, इनका क्या किया? सम किया इनटू क्या है? हाइट का तो नाम है, हाइट का नाम क्या है? हो गया। अब आपको जो जो वैल्यू पता है वो लिख तो हो गया, इतना सिंपल है। बताओ एरिया दिया हुआ है, कितना दिया है? एरिया पिक्चर अच्छे से पढ़ो, इसमें एरिया दिया है 33। हाँ इसका एरिया कितना दिया है? 33। अब एरिया भी लिखो, एरिया लिखो ना। ये कौन है? हाफ सम किसका? बताओ एबी कितनी दी है? एबी कितनी दी है? एस। बताओ डीसी कितनी दी है? 2x बराबर है। देखो बराबर डीसी कितनी दी है? 2x। ये समझे क्या? एबी कितनी है? x और डीसी कितनी है? 2x इनटू इनटू बताओ एम कितनी है? x माइनस 4। यहाँ पे लिखना है ऐसे ब्रैकेट में लिखना है x माइनस 4। आई बात ध्यान में, बस कुछ नहीं किया सर, वैल्यू पुट की है। एरिया 33 हाफ, ए बी एक्स है, डी सी टू एक्स प्लस वन है, ए एम एक्स माइनस टू।
अब एक बार अगर मैं ये टू ये सब मल्टीप्लाई में सभी टर्म्स मल्टीप्लाई में रहने पर ये इधर आ सकता है, ये डिवीजन वाला टू क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स प्लस टू एक्स क्या होगा। एक बात यार, कोई आपको कुछ बताने वाला नहीं, खुद बातें समझनी चाहिए। जी जी यहाँ पे एक्स और टू एक्स दिख रहा है, कोई बताएगा कि इसके एडिशन करते हैं तो दिखे चल रहा है ना, एक्स प्लस टू एक्स कितना है थ्री है, एक्स में एक्स ऐड होगा और ब्रैकेट के बाहर बोलो दूसरे से और ये टू इधर आया। देखो एक बार वो टू इधर क्यों आया, क्योंकि उधर सब मल्टीप्लाई में टर्म थे इसलिए, यानी यानी का मतलब सपोज इधर ए है इधर बी बाय सी है डी है या वाई सब मल्टीप्लीकेशन में अगर टर्म्स है तो फिर ये ए इधर ये सी इधर आ सकता, याद रहे सी इधर आ सकता, सी बोलो या और पूछूंगा तो वो भी जैसे ए है बी बाय सी है डी बाय ई है या मैया ऐसे बहुत कुछ है लेकिन सब मल्टीप्लाई है तो फिर ये दोनों इधर आ सकते हैं। ये बीसी क्या करना डिवीजन में तो क्या आएंगे मल्टीप्लाई, कौन कौन बचा बी डी या, लेकिन अगर एक भी जगह एडिशन या सब्सट्रैक्शन आ गया सपोज मल्टीप्लीकेशन लेकिन इधर प्लस माइनस आ गया कुछ भी, अब ये सी इधर आ नहीं सर, मैं सी को लेके आया इधर बी इंटू डी प्लस माइनस एम, तो इसके सामने लिखना रॉन्ग, यानी सी इधर आना गलत हो गया। हाँ
अरे नहीं पढ़ाया गया, ये भी मुझे भी पता है कि मैंने ये पढ़ाया, एक्स में एक्स मिलते हैं, नंबर में नंबर मिलते पढ़ाया, लेकिन आज की डेट में तुम्हें याद आ रहा है जैसे उसको आज की डेट में तकलीफ है ना, पढ़ाया होगा आज मुझे तकलीफ है ना, तो पूछना चाहिए सबसे मेन बात याद है, पढ़ाया होगा सर ने कई बार पढ़ाया होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, अगर हमें डाउट है आज का डाउट आज क्लियर हो, ठीक है, तब आप अच्छे बनोगे, है ना, ये हमेशा इसने पूछा बहुत अच्छी बात है, सब पूछते जाए, चलो ठीक है हो गया इतना, अब क्या करना है, दो ब्रैकेट का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, हम दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते, ये तो 66 हो जाएगा, हम दो ब्रैकेट के कंसेप्ट पढ़े थे, हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है ना, क्या करेंगे बताओ, दो ब्रैकेट कैसे मल्टीप्लाई करते, कोई भी दो ब्रैकेट में दो टर्म हो, तीन टर्म हो, कितने भी टर्म हो, बताओ क्या करता है, पहले क्या करता है, ए मल्टीप्लाई करता है, फिर यही ए किसे मल्टीप्लाई करता है, यम, ये वाला ये सबको फिर कौन करेगा, बी, बताओ क्या, डी एम और डी, बी एम को भी डी सब, तो लक्ष्य अभी किससे मल्टीप्लाई करना, सी से, तो सी इंटू एम और सी इंटू एम, लेकिन आप गलती याद रखना, प्लस माइनस का ध्यान रखना, सी एम पॉजिटिव और सी एम कैसा है, ठीक है ना, तो बताओ ए ने सबको, फिर डी ने सबको, फिर सी ने सबको, ये इसकी प्रैक्टिस करना, अगर यहाँ में माइनस होगा तो बताओ क्या ए इंटू एम पॉजिटिव है दोनों, ए इंटू एम निगेटिव है, फिर हो गया ए का, चलो डी का होगा, डी इंटू एम डी एम और डी इंटू एम डी एम, लेकिन ये निगेटिव, चलो अब सी का बताओ, सी इंटू एम सी एम, लेकिन ये क्या है निगेटिव, और बताओ सी इंटू एम, बेटा ध्यान से, सी इंटू एम सी एम, लेकिन दोनों निगेटिव है ना, माइनस माइनस क्या होगा, आगे बात ध्यान, सिंपल है मैथ, बस थोड़ा सा ध्यान रखो, वही वही कंसेप्ट बार बार आते हैं, कई बार ब्रैकेट आएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, कई बार ये डिवीजन ट्रांसफर होंगे, कई बार मैथ्स में इतना सा मैथ्स है, ज्यादा मैथ्स नहीं है, बेसिक वाला मैथ्स थोड़ा सा है, बस उस थोड़े से मैथ्स को बार बार पढ़ो, एक बार वो दिमाग में सेट हो गया, उतना बेसिक मैथ्स थोड़ा सा है, क्या जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा, है ना, चलो ये अभी ब्रैकेट देखो, पहले कौन मल्टीप्लाई करेगा, 3x सबको, 3x इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा ना, 3x स्क्वायर होगा, अब बताओ अब किसको करेगा, 4 क्या होगा, ऐसे नजर रखो कितना होगा, अरे 3 4 क्या होगा, 12 माइनस 12 एक्स, हो गया, चलो 3x ये लिखता है, कौन करेगा, 1 इंटू एक्स 1x और 1 इंटू 4 1 इंटू 4 4 माइनस, हो गया, ये था मल्टीप्लीकेशन जो यहाँ पे बताया, 3x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, 3 4 था 12x, हो गया निपट गया, 3x में अब कौन करेगा, 1 1 इंटू एक्स और 1 इंटू 4, इसके बाद अब ये है एडिशन सब्सट्रैक्शन, ये अपने लोगों को ही ढूंढते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन एक जैसे एक्स स्क्वायर को ढूंढेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यही चीज माइनस बचा कितना, जीरो, कुछ भी नहीं, अब बताओ क्या हुआ, 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4 इक्वल टू, और उसके बाद क्या करना बताएगा, क्वाड्रेटिक सब इधर इतने क्या है, एक बात बताओ साइन चेंज हुए कि नहीं, मैंने शिफ्टिंग की तो साइन चेंज कर देना, राइट को लेफ्ट में लेके आया, लेफ्ट को राइट में गया तो साइन चेंज नहीं कर देगा, मैंने किए गया नहीं किए, क्यों नहीं किए, अरे 66 उधर गया तो साइन चेंज नहीं किया, प्लस का क्या गया, माइनस, है ना,
सबका लिखना है, बताओ 66 उधर गया तो साइन चेंज हो गया, इसका क्यों नहीं हुआ? ये राइट से लेफ्ट में आया और ये लेफ्ट से राइट गया। एक नियम याद रखो, जब दोनों आपस में अदला बदली होंगी दोनों की तो साइन चेंज, दोनों आपसी समझौता है, एक साथ दोनों शिफ्ट होनी चाहिए, पूरे के पूरे, पूरा राइट हैंड साइड का आ गया लेफ्ट में, पूरा लेफ्ट का पे राइट में, तो फिर साइन चेंज। हाँ तो अगर एक एक को करोगे तो एक दो को फिर होगा, जैसे 66 गया तो साइन चेंज होगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आरएचएस एलएचएस एलएचएस ये सॉल्व कर पाओगे अब, क्या क्या बन गया ऑलरेडी, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, बहुत प्रैक्टिस हुई है, चलो इस हिसाब से। फिर इनका करके देखते हैं, 5 4 पहले पहले टच करके देखते हैं, 5 4 20 जीरो आता है ना, क्या आता है जीरो, ये भी जीरो जे, इसका मतलब ये हो सकता है करके देखो आता है कि नहीं आता, नहीं आता तो फिर हम क्या करते हैं, बांध मार ऐसे बांध मार करते हैं, दोनों अब दोनों नीचे बांध मार दिए, कितना होगा 30 और ये कितना होगा बता, फिर ये पहला पहला करके देखते हैं, 4 3 12 आता है 2, हमें क्या चाहिए 0। आप क्या पूरा मल्टीप्लिकेशन करके देखोगे क्या, पूरा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी किया यहाँ पे, तो हर बार करोगे तो कितना टाइम लगेगा कि 210 है या नहीं, अब ये है कि नहीं के लिए पूरा करके देखोगे क्या 210 आता है कि नहीं, पूरा करके देखने की क्या जरूरत है, सिर्फ पहला पहला डिजिट करो 4 3 12 2 आता है, यहाँ पे 0 नहीं है। हाँ फिर और कम करो, कितना है 12 और कम करो 3 2 नहीं आता, और कम करो 2 1 नहीं आता, और कम करो 1 0 1 0 0, अब ये 0 मैच हो रहा है ना, सिर्फ 0 मैच कर रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है पूरा नंबर थोड़ी मैच करेगा, 0 मैच कर रहा है ना, बस हो गया, अब करके देखो ये सही में है यानी, बाकी जनों का करके मत देखना, गारंटी से बता कि वो नहीं है करके, पहला पहला डिजिट मैच नहीं कर रहा है ना तो पूरा नंबर मैच करेगा, चलेगा पहला डिजिट मैच कर रहा है ना 1 × 0 0 ये हो सकता है मैच कर सकता है, इसका करके देखो 21 × 10 इतनी तो प्रैक्टिस नहीं थी उस समय, इतनी प्रैक्टिस लेने पर भी अगर आप नहीं बने हो आप में से कोई कोई तो अगर ये प्रॉब्लम नहीं आते बहुत चिंता का विषय है, आप लोग यानी आईसीयू में है ऐसा समझो, ये बहुत मुश्किल होगा आप लोगों, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो सच है वो सच है ना, मेहनत की कमी है। हाँ चलो बताओ ये मिडिल टर्म तुरंत पिताजी उतर आते क्या करते, साइन बड़े प्रॉपर्टी बड़े वाले को छोटे वाले को, हाँ अब एक बात और, ये जो दोनों है ना ये दोनों कैसे भी लिख सकते हो आगे पीछे, मैंने 10x पहले 21 बाद में या 21 पहले ऐसा भी चलता है, यानी अगर आप चाहो तो -21x पहले लिख सकते हो और 10x बाद में लिख सकते हो, आपकी इच्छा है ऐसे भी लिखो, मैंने लिख दिया, और हमेशा x x कॉमन निकालो, x निकला तो क्या बचेगा 3x, और बताओ x निकला तो क्या बचेगा माइनस, यही ब्रैकेट का लिखता और बताओ क्या करो, कुछ बताया था हाँ सर ये x को 10 चिपका हुआ है 10 लिख दो, x को 10 चिपका हुआ तो 10 लिखना, ये कब होता है जब x से छूंगा तो, ये कौन है ये 3x, करके देखो कितना होता है ये 30x, और ये 30 है क्या, इसमें कुछ बताया था मैंने आपको, क्या बताया था
इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से क्या करो, कितना आया है, और अब जो ब्रैकेट सेम है वो एक बार, और जो बाहर खड़े उनको भी एक घर दे दो रहने के लिए, और फिर पहला टर्म इक्वल टू जीरो और सेकंड टर्म इक्वल टू माइनस 21 गया तो प्लस 21, कितने एक्स की वैल्यू, और ये प्लस का क्या होगा बताओ, अपना प्रॉब्लम किस चीज का है, वही लिंक वाला बताओ, लिंक कभी निगेटिव हो सकती है क्या, एक्स बताओ एज है, एज का प्रॉब्लम रहता है, लिंक का प्रॉब्लम है, ये लेंथ वाला प्रॉब्लम, एज वाला नहीं, याद रखना एज भी निगेटिव नहीं रहती और लेंथ भी कभी निगेटिव नहीं रहती, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बट लेंथ कांट बी निगेटिव, लेंथ कभी निगेटिव रहती नहीं, इसका मतलब इसकी वैल्यू माइनस 10/3 आ नहीं सकती है, इसकी वैल्यू कितनी है, और अब बताओ आपको पूछा क्या है, आपको क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स की लेंथ बताओ, तो आप सभी साइड की लेंथ बताएंगे, चलो बताओ पहली साइड, अभी आज से शुरू करते हैं, बताओ पहली साइड कौन है, ए बी, चलो बताओ ए बी की वैल्यू कितनी है, एक्स, एक्स यानी कितना, अब यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना, चलो बताओ बी सी, बी सी दिए क्या आपको, और एडी भी, एडी और बीसी सेम है क्या, एडी और बीसी सेम दिया है क्या, यहाँ पे ऐसे लिखना एडी इक्वल टू बी सी, उन्होंने दिया बोलो एडी और बीसी सेम है बोलो, और कितनी है दोनों, एक्स माइनस टू, एक्स की वैल्यू 7-2 कितना है, चलो दोनों कितने की है 5 सेम, दोनों सेम ही दिया है, और साइड कौन सी बची, और एक साइड है ए बी बी सी सी डी, सी डी बोलो या डी सी बोलो कितनी है, 2x प्लस बोलो 2 × x कितना है, x की वैल्यू 7 है ना, 2 × 7 प्लस 14 प्लस कितना, आगे x मिलने से हमें सब सेम मिल गई, ए बी एक्स से यानी 7, वो जो बी सी और ये ए डी की दोनों सेम उन्होंने दिया था, दोनों x माइनस 2 यानी 7-2 कितना हो गया 5, सी डी कितनी है 2x प्लस 1, तो हमें सभी साइड की लेंथ, ठीक है, यही फीचर था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, कारण है डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, बताओ 22 को 7 से डिवाइड करो, 22 डिवाइडेड बाय 7 रीजन बाय, बताओ डिविडेंड डिविडेंड यानी जिसको डिवाइड किया जा रहा है, इसको डिवाइड कर रहे हैं 22, ये डिविडेंड, डिवाइजर यानी जो डिवाइड कर रहा है, कौन, क्वेश्चन यानी आंसर अपना, कितना आंसर है, और रिमाइंडर कितना, यानी डिविडेंड का रहता है अंदर, अंदर वाले को डिविडेंड, बाहर वाले को वो जो आंसर आता है उसको, और जो लास्ट में आता है उसको रिमाइंडर, नहीं रिमाइंडर, बराबर है, उस हिसाब से बताओ तो डिविडेंड हो गया 22, डिवाइजर हो गया 7, डिवाइड करो क्वेश्चन आ गया 3, रिमाइंडर है 5, और चेक करो इस फॉर्मूले में, अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू करेंगे तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, शॉर्टकट दो, बताओ डिविडेंड कौन है, सबकी वैल्यू करो, डिविडेंड डिवाइजर 7,
इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर चेक करो बराबर 22 है 21 प्लस 1 बराबर ये वो ये है बेसिक ये फॉर्मूला याद रखना ये वाला फॉर्मूला डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइड चलो पढ़ो इसको डिवाइड किया 460 को वो अंदर रहेगा ना उसको क्या किया डिवाइड किया किसने डिवाइड किया बाय बाय नेचुरल नंबर कौन है नेचुरल नंबर दिया है क्या आपको किसने डिवाइड किया दिया क्या यानी ये डिवाइड किसने किया वो दिया नहीं यानी कौन नहीं दिया डिवाइड नहीं दिया तो एक्स देगा नहीं दिया तो क्या देना पड़ेगा एक्स देना पड़ेगा पढ़ लेते हैं आगे चलते Then the quotient is, quotient कितना आया? 6 more than 5 times the divisor. Remainder is? Remainder दिया. तो बता. ये क्या है ये? Dividend divisor quotient. Remainder कितना दिया है बस? और ये दोनों नहीं दिए. ये उसी क्वेश्चन का बेसिकली ना ये अलग है ये बेसिक है ये क्वेश्चन की सबसे दूसरी को निकालनी पड़ेगी हमें किसी को तो एक्स लेना पड़ेगा ना डिवाइडर को क्या लेते हैं एक्स ले पहले डिविडेंड ले लेना डिविडेंड कितना है और रिमाइंडर भी बताना है रिमाइंडर कितना है अब शुरू करो बताओ ले डिवाइजर कितना कंडीशन बताओ क्वेश्चन कैसा होते क्वेश्चन इज क्वेश्चन इज एन इक्वल टू 6 मोर प्लस 6 देन एक ही वर्ड 6 मोर को प्लस 6 मोर देन को भी प्लस 5 टाइम्स को क्या बोलते हैं 5 इनटू 3 5 इनटू 5 टाइम्स के बाद डिवाइडर कौन है x ये वो तो 6 प्लस 5 कितना होगा 11 11 और यही पे सब कुछ 0 मान लो चार मार्क का प्रॉब्लम बोर्ड के एग्जाम में आया और जीरो मार्क क्यों सर डिविडेंड तो बराबर है 460 को डिवाइड किया तो डिविडेंड रिमाइंडर वन है दिखाना सर डिवाइजर नहीं दिया था देख लिया बेटा पहले सब बराबर दिया तुझे फॉर्मूला भी सब पता है लेकिन तुमने क्वेश्चन गलत लिख दिया इसने भी दीजिए गलत लिखा भी नहीं है सही लिखा है लेकिन इसके बाद गलत ये छोटी सी गलती 6 प्लस 5 11 कर दिया इनटू x 11 x सर 6 प्लस 5 11 कुछ होता है अरे हाँ भैया किसको नहीं पता सीखने में लेकिन तुमने 6 प्लस 5 करना ही नहीं चाहिए था ना मॉडमॉस का रूल है ना बेटा कंचे भागो बेव मॉडमॉस पहले एडिशन नहीं करना पड़ता पहले क्या करना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन तुमने पहले एडिशन किया 6 प्लस 5 11 बाद में मल्टीप्लाई किया 11 इनटू x 11 x पहले एडिशन किया बाद में मल्टीप्लाई किया सर वहां पे एडिशन तो दिया अब पहले एडिशन लिखा इसका मतलब एडिशन करना ऐसा नहीं होता जैसे 3 प्लस 2 माइनस 5 इंटू 3 पहले एडिशन लिख रहा है तो क्या एडिशन करेगा क्या गया काम से वैसा नहीं है क्या करना पड़ता है पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर होगा तो पहले मल्टीप्लाई का आंसर लिखो ये जैसा है वैसा मल्टीप्लाई बताता है 50 में फाइव रीजन अब कर एडिशन सब्सट्रैक्शन क्या करता है ये 3 प्लस 2 5 5 माइनस 10 कितना पहले क्या करना था मल्टीप्लिकेशन ये 6 प्लस एज इट इज 5 इंटू एक्स अब कर लगे तो कितना होगा एल अब करना 6 प्लस 5 एक्स कितना
सही है, सही है। आज सुबह फिर से रिपीट किया था याद सिक्सनेस स्वयं सिलेबरिक्स बराबर है। क्या पढ़ाया था सुबह? वेरिएबल वेरिएबल के साथ ऐड करता है, एक वेरिएबल एक है दूसरा कोई है क्या नहीं, और नंबर किसी साथ करता है, ये फाइल क्या नंबर है क्या, तो वेरिएबल है ना, ये कौन सा है, ये वेरिएबल बन चुका है ना अभी वो, तुम सिक्स प्लस फाइव कैसे कर रहे हो, अगर वो फाइव नहीं है, फाइव एक्स है, क्या है वो, फाइव एक्स है, ये वेरिएबल बन चुका है ना अभी, ये नंबर है, नंबर और वेरिएबल का एडिशन नहीं, इसलिए जैसे सिक्स प्लस फाइव वेरिएबल एक्स कर, अगर ये सिक्स प्लस फाइव है तब आप क्या करोगे, और सिक्स एक्स प्लस फाइव एक्स होगा अब होगा एलेवन एक्स क्यूब, क्योंकि ये भी एक्स है, तब जाके एडिशन। तुम बोलोगे सर सिक्स प्लस नहीं होता कुछ भी, क्यों, क्योंकि ये एक्स का टर्म है और ये नंबर है, वेरिएबल और नंबर का, ये गलती कर दी थोड़ी सी, वो बुला रहा हूं। तो देखो अब फॉर्मूला लिखो, वी नो दैट, बताओ कौन सा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस, बोलो डिविडेंड कौन है, डिवाइजर कौन है, वन है, हाँ सर डिवाइजर वन है, कौन है क्वोशेंट, कौन है क्वोशेंट, कौन है प्लस रिमाइंडर कौन है, ये एक्स क्या करेगा ब्रैकेट को, एक्स इंटू सिक्स एक्स इंटू फाइव फाइव एक्स डबल है ना प्लस इधर कौन है, बताओ क्या करो, क्वाड्रेटिक बनने जा रहा है, एक्स क्यूब है ना पढ़ा, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म बना, इसको किधर लेके जाए, 460 को लेके जाना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक में एक साइड में जीरो चाहिए, तो लेके जाओ मतलब ये उधर गया तो क्या बचेगा ना, उधर अब आगे सब एक जगह, लेकिन ये बराबर लिखे नहीं, अच्छे से लिखो, बताओ पहले किसको लिखना चाहिए, फाइव एक्स, उसके बाद सिक्स एक्स, अकेला चले सब अकेले अकेले से, बस नंबर कितने बार है, दो बार, बोलो कितना, माइनस और इक्वल टू क्या, अब इक्वल टू जीरो इधर है, मैंने कहा लिखा उधर चलेगा क्या, क्या किया साइड एक्सचेंज कर दी ना, ये वाला आंसर इधर लिखा, वो वाला आंसर जीरो, क्या करो अभी क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, फिर से एक बार यहाँ पे बता, इस प्रॉब्लम एक रूल है कि डिवाइड इसी को किया डिविडेंड और डिवाइजर डिवाइड करने वाला क्वेश्चन के ऊपर रिमाइंडर और उसका एक फॉर्मूला है। अब अपने क्वेश्चन में क्या आ जाता है, 460 इज डिवाइडेड, 460 को डिवाइड किया बाय ए नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर यानी डिवाइजर, और वो आपको पता नहीं तो आपने क्या लिया था एक्स, और क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन दी, क्वेश्चन कैसे बोलते सिक्स मोर यानी प्लस सिक्स देन यानी प्लस फाइव टाइम्स फाइव इंटू द डिवाइजर, डिवाइजर कौन एक्स, सिक्स प्लस फाइव इंटू एक्स फाइव ये हो गया क्वेश्चन, एंड रिमाइंडर इज वन, रिमाइंडर वन दिया हुआ, यानी दो चीजें ऑलरेडी डिविडेंड और रिमाइंडर दोनों दिया, इसको डिवाइड किया और रिमाइंडर कितना वो दिया, बाकी दो चीजें दी नहीं, डिवाइड करने वाला नेचुरल नंबर है वो तो कौन डिवाइड कर रहा था पता नहीं, तो क्या दिया उसको एक्स, हमने अपने वजह से क्या बोली थी, और क्वेश्चन वो डिवाइड करके फाइव टाइम से बोलते फाइव एक्स प्लस, फिर अभी हमने लिखा वी नो दैट डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर कौन है एक्स इंटू क्वेश्चन कौन है सिक्स प्लस फाइव एक्स प्लस रिमाइंडर कौन है वन एक्स इंटू सिक्स सिक्स एक्स एक्स इंटू एक्स एक्स वो प्लस वन जैसा है वैसा 460 उधर भेज दो प्लस का क्या होगा माइनस अब क्या आंसर आएगा फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस कितना होगा 459 माइनस 459 इक्वल टू कितना जीरो अब एक बार डायरेक्ट सॉल्व ये है फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है फाइव इंटू
कर कितना आता है? 2 divided by 45 2 divided by 95 95 95 अब बताओ इसके क्या करने पड़ते हैं? फैक्टर है सर, हमें स्क्वायर की मेथड जो है अच्छा है ना, स्क्वायर की मेथड में 30 तक पता है, 30 into 30 3 3 9 और ये डबल जीरो, सर हमें 900 तक पता है, ये तो 2200 हो गए, तो डायरेक्ट 30 के बाद 40 का बताएं, तो 40 into 40 416 आता है डायरेक्ट, 15 5 का स्क्वायर 25 डबल जीरो 2500। हाँ सर ये जम गया, क्योंकि ये 2200 है 2300 के आसपास है सर, ये तो आउट ऑफ कवरेज है, तो फिर 50 मत लेना, 50 से थोड़ा अंदर चलिए, और हमें कम वाला चाहिए ना, ये तो बड़ा वाला है ना, लेकिन बताओ ये नजदीक है ना, कम वाला कितना होगा? 50 तो 50 से कम लेना है, तो 48 वगैरह लेना, ज्यादा कम मत लेना, आंसर निकल जाएगा नहीं, 50 से कम लेना है, थोड़ा सा ही कम लो, अभी तो 49 लो या 48 लो, ऐसा कुछ 50 तो नहीं ले सकते, तो बड़ा आ रहा है ना, तो 50 से कम कितना होना हो सकता है? 48 अंदाजे लेना, 48 बोलो। अब बताओ ये कहाँ जाएगा? मैं माइनस हूँ, कितना आया? 54 आ गया, और इसके बाद क्या करते? भाई पहला पहला करके देखो, 8 4 32 क्या आ रहा है? 2 हमें क्या चाहिए? 5 करके मत देखो, सीधा सीधा बांध मारो, बताओ दोनों नीचे माइनस ही है ना, बोलो 48 का 47 और ये 53 73 का 1 आ रहा है, हमें चाहिए भाई, और कम और कम, क्या कम? 62 का नहीं आ रहा, और कम करो, और ये 51 का, ये पहला टर्म मैच हो रहा है, पहला मैच हो रहा है ना, ये हो सकता है, भाई मत बोलना पूरा का पूरा मैच करा, पहला मैच करा, करके देखो अभी पूरा करके देखो, आ गया, और जैसे आ गया वैसे तुरंत वो पिताजी आ गए, आ गए तो अपनी प्रॉपर्टी किसको देंगे? और छोटे वाले को, चलो करो 5 square minus 55 बोलो क्या होगा? एक्स कॉमन निकाला है, एक्स निकला तो 5x, एक्स निकला तो 40, यही ब्रैकेट का लिख दिया, और बताओ इस एक्स को कौन चिपकाए? 51, तो 51 लिखो गया, ये कब लगता है? जब यहाँ पे एक्स से छोटो, यहाँ पे 5 है ऑलरेडी, 51 लिखोगे तो 51 इंटू 5 बहुत बड़ा नंबर होता है, क्या टेक्निक बताई थी? इस सम को इस सम से क्या करो? डिवाइड, एक्स एक्स के लिखा कितना आया बताओ, फिर जिनको घर नहीं घर बार दे दो उनको भी रहने के लिए, अब बताओ क्या हो, या तो फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू जीरो, और मैं हमेशा इसी लाइन खींचता हूँ, आप करते जाओ जैसा मैं करता हूँ, बताओ 45 उधर गया तो प्लस हो जाएगा और 5 क्या करेगा? कितना आ गया? और इधर क्या होगा? पता एक सैनी डिवाइजर है ना, उन्होंने बोला डिवाइजर कौन सा? 9 क्योंकि 51 बार एक इंडियन डिवाइजर नेचुरल नंबर है, बोला क्या बोला? तो बताओ क्या लिखेंगे? बट डिवाइजर इज ए कौन सा नंबर है? आपको पीछे भी बोला था नेचुरल नंबर ने डिवाइड किया, डिवाइजर कैसा है? नेचुरल, इसमें नेचुरल नंबर कौन है? नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 ऐसे, इसको बोलते क्या? नहीं, डिवाइजर नेचुरल नंबर है तो ये वाली वैल्यू हम ले नहीं पाएंगे, आंसर क्या लेंगे? सिर्फ 9, क्योंकि ये नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है बोलते ना, तो ये कैसे होगा फिर? ये तो बताओ कौन मिल गया तुम्हें फिर? बताओ ये तो डिवाइजर है, क्वेश्चन डिवाइजर यानी x कितना मिला? नहीं, और क्वेश्चन भी पूछा है तो क्वेश्चन का क्या था? 5 प्लस क्या था? 6 प्लस 5 ये ऐसा ही था ना, चलो इसमें वैल्यू पुट करो, 6 प्लस 5 इंटू x कितना? 9
कितने में समझा? 6 प्लस 9 भाजा 45 51 हां चलो क्वेश्चन कितना है रे क्वेश्चन कितना है चेक करके तो कपड़ा प्रॉब्लम सही की चेक कर सकते बताओ डिवाइड किसको किया था 460 इज डिवाइडेड बाय ए नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर ने डिवाइड किया डिवाइजर वो हमें पता नहीं था तो हमने एक्स किया था पता चल गया वो नहीं वो डिवाइड करने वाला नहीं चलो करो 95 का 45 ऊपर का 0 9 1 का 9 बताओ रिमाइंडर 1 बचा कि नहीं हां आ गया ना रिमाइंडर वही बोल रहे थे रिमाइंडर 1 और डिवाइजर पता नहीं तो क्या लिया 9 एक्स पता नहीं था तो क्या लिया था हमने एक्स और उन्होंने बोला था क्वेश्चन कितना है पता है क्वेश्चन कितना है बोलते पता है 6 मोर 6 ज्यादा है बोलते किससे 5 टाइम्स द डिवाइजर डिवाइडर से 5 गुना बड़ा है और 6 से भी बड़ा है तो द डिवाइडर से 5 गुना 9 5 45 और 6 ज्यादा 55 45 प्लस 6 51 है ना बराबर यानी ये जो 51 है क्वेश्चन ये डिवाइडर से 5 गुना है 95 तो 5 गुना और 6 ज्यादा 5 गुना तो 45 है और 6 ज्यादा ये आया बराबर तो उन्होंने ये दिया नहीं था तो इसे क्या लिया था हमने x डिवाइडर है और ये डिवाइडर भी 5 गुना x 5 और 6 मोर इसलिए लिया था 6 प्लस 5 दिया था क्वेश्चन पता नहीं था तो वही सर और डिवाइडर इसलिए था फिर क्या किया था हमने फार्मूला लिखा था कौन सा फार्मूला ये डिविडेंड जिसको डिवाइड किया 460 डिवाइजर कौन है क्वेश्चन कितना है 6 प्लस 5 और रिमाइंडर कितना है 1 वेरी गुड कर कुछ के बाद कुछ नहीं ये कारना में ये मल्टीप्लाई किया 6 * 8 6 8 हां 6 5 10 5 x स्क्वायर इधर 6 * 8 x * 5 5 x स्क्वायर प्लस 1 फिर इसको शिफ्ट किया यहां था ना ऐसा बाद में एक बार और इसको रिवाइज कर ठीक है तो सर